मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल होता रहता है, तो वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग भी करते हैं। आधुनिक जमाने में भले ही लोग मॉडर्न होते गए हों, लेकिन आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो भूत प्रेत जैसे अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। बताते चले कि सोशल मीडिया के माध्यम से भोले भाले लोगों के साथ ठगी व छल आज भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक यूट्यूबर ने डिजिटल का सहारा लेकर भूत प्रेत का जाल बिछा कर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। वहीं इस पूरे मामले में थाने चित्तलसर के पुलिस ने कामयाबी हासिल करते हुए इस पूरे मामले का खुलासा कर एक महिला व पुरुष को गिरफ्तार किया, जिसने सीधे साधे लोगों के साथ ठगी करके अपने भूत प्रेत जैसे जाल में उनको फंसाया था। हालांकि अब वो पुलिस के गिरफ्त में है। कहीं आप भी ऐसे जालसाजों का शिकार तो नहीं बन रहे? यदि आपके साथ भी हो रहा है इस तरीके का कोई भी छल तो तुरंत ही भी हो रहा है इस तरीके का धोखाधड़ी तो तुरंत पुलिस स्टेशन में संपर्क करें। चित्तलसर पुलिस स्टेशन में हमने 13 मार्च को एक ऑफेंस रजिस्टर किया था, सीआर नंबर 59/22, ब्लैक मैजिक एक्ट तथा पोक्सो और आईपीसी के विविध कलम के अंतर्गत ये ऑफेंस रजिस्टर किया गया था, जिसमें जो तकरारदार है, जो कंप्लेनेंट है, उसने अपने भाई के खिलाफ ये कंप्लेंट दी थी कि उसके भाई ने अघोरी कृत्य करने के इरादे से, ब्लैक मैजिक करने के इरादे से उसके बेटे के साथ लैंगिक छल किया है, लैंगिक अत्याचार किया है, इसीलिए पॉक्सो के तहत भी ये गुनाह दाखिल किया गया था। अभी तक हमने इस ऑफेंस में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। जो आरोपी के नाम है कुलदीप प्रदीप निकम, पोखरण रोड नंबर 2, वर्तक नगर थाने, किशोर नवले, विक्रोड़ी, मुंबई, और स्नेहा शिंदे, पोखरण रोड नंबर 2, वर्तक नगर थाने। ये तीनों आरोपियों के हमने अरेस्ट किया है। इनको 10 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। अभी तक जो तफ्तीश की है उसमें ये पता चला है कि ये व्यक्ति जो है अपने इन साथीदारों की मदद से एक YouTube चैनल चलाता था, और एक जिसका नाम था पैरानॉर्मल रेस्क्यू सोसाइटी, और एक संस्था थी जिसका नाम दत्त प्रबोधिनी संस्था। इस नामक संस्था के माध्यम से वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता था। वो ये क्लेम करता था कि वो भूत और पिशाच को कंट्रोल करता है, उनके ऊपर अगर वो उनका घर में वास्तव है तो उनको भगाता है और या फिर उनको निकाल देता है। जो YouTube चैनल में उसके जो वीडियोस हैं, लगभग 8-10 वीडियोस हैं, उसके लगभग 1,500 से ज़्यादा डेढ़ लाख के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। उसके माध्यम से वो चैनल, वो वीडियोज़ में कुछ घरों में उसने घोस्ट या भूत पिशाच को कंट्रोल किया है ऐसा क्लेम करता था, कुछ वीडियोस दिखाता था। इसमें फंस के लोग उससे कांटेक्ट में आ जाते थे। कांटेक्ट करने के बाद वो बोलता था कि मैं साइट विजिट करूंगा, और वो साइट विजिट के लिए 30,000 से 40,000 रुपये लेता था, और फिर बाद में इन सारे आर्टिकल्स का उपयोग करके उनके ऊपर इस तरह से वो ये जमा देता था, धोस जमा देता था या इन्फ्लुएंस कर देता था कि वो उनको लगता था कि ये सच में एक भूत पिशाच को कंट्रोल करने वाला व्यक्ति है, कोई बड़ा तांत्रिक है लेता था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें RF फ्रीक्वेंसी डिटेक्टर है सिंपल, बट अगर इसको ऑन करके देखें तो एक आवाज़ आती है। ऐसे चीज़ों को देख के लोग अक्सर उसमें इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और फिर बाद में उनको अपने पैसों को गंवाना पड़ता है। अभी तक हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया है, बाकी और कोई लोग इसमें शामिल है या नहीं इसकी अभी तफ्तीश जारी है। सर, इसमें कितने लाख का मुद्देमाल जब्त किया गया है? अभी तक जो ये हमने मुद्देमाल जब्त किया है लगभग 6.5 लाख का मुद्देमाल है, जिसमें 3 लैपटॉप्स है, 1 सैमसंग टैब है, 2 मोबाइल्स है, 2 GoPro कैमराज हैं, 3 ड्रोन्स है इस तरह के, एक नोट की काउंटिंग मशीन है, घोस्ट डिटेक्टर, हैंडी वॉइस रिकॉर्डर, एंटी स्पाई डिटेक्टर, बाइनोकुलर्स, इस तरह अनेक इलेक्ट्रॉनिक और नॉन इलेक्ट्रॉनिक आर्टिकल्स। लोगों को क्या आह्वान करेंगे? आपके माध्यम से मैं ज़रूर ये अध्ययन मैं आह्वान करूंगा कि जो आरोपी हमने पकड़ा है अभी तक, इस व्यक्ति से जो फंसे गए हैं वो अभी तक हमारे यहाँ सामने नहीं आए हैं। इस आरोपी का नाम है कुलदीप निकम, और उसके साथ साथीदार है किशोर नवले और स्नेहा शिंदे। आप में से कोई अगर इसमें फंसे हैं, जिन्होंने आपको भूत पिशाच निकालने के नाम से अगर आप पैसे ऐंठे गए, तो आप चित्तलसर पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट कीजिए, आपकी
जो कंप्लेंट लेके उसके ऊपर कायदे से कार्रवाई की जाएगी। सर एक बात सुनना है कि जो नोट गिनने की मशीन और कैमरे वगैरह लगा, नोट गिनने में कितना नोट लेता था कि फिर नोट पकड़ा गया? नहीं, अक्सर होता यह है कि गरीब लोग जाते हैं तो उनके पास छोटे नोट होते हैं, छोटे डिनोमिनेशन के नोट होते हैं। अगर वो 25,000 भी या 30,000 भी मांगता है तो उसके पास 10, 20, 25 के डिनोमिनेशन, तो गड्डियां ज्यादा होती है शायद उसके लिए है। कितने बैंक अकाउंट सीज किया गया और गाड़ियां भी सीज की गई है? उनकी उनका एक बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है और जिसमें लगभग 5 लाख रुपए अभी है वो फ्रीज किया गया है। एक गाड़ी है इनोवा जो गाड़ी है वो फ्रीज जो हमने सीज की है, उसके अलावा और 3-4 हाई एंड व्हीकल्स हैं ऐसे पता चल रहा है, वो भी हम सीज करेंगे। चित्तौड़गढ़ पुलिस स्टेशन में हमने 13 मार्च को एक ऑफेंस रजिस्टर किया था, CR नंबर 59/22, ब्लैक मैजिक।